सरकार के नए दिशा निर्देश को लेकर कोचिंग संचालकों का क्या कहना है, वो सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, इसे लेकर हमने बात की कोचिंग संचालकों से भी। सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो गाइडलाइंस जारी हुई है वो अपन देखें तो 80% लेवल तक स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जारी हुई है। अपन बात करें कि 10th तक के बच्चों की कोचिंग का जो ट्रेंड चल रहा है और वो बच्चे स्कूल से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अपन देखें तो डेवलपमेंटल उनमें कमजोरी साबित हो जाती है, क्योंकि कोचिंग में बच्चा क्लासरूम तक सीमित रहता है और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए स्कूल का क्लासरूम, क्लासरूम की बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स, ये सब चीजें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के की मेथड्स होते हैं, की पैरामीटर्स होते हैं। इसलिए डेफिनेटली सरकार की गाइडलाइन का बेसिक उद्देश्य ये है कि बच्चा स्कूल को स्कूलिंग है वो स्कूल में जारी रखे, और ऐसा होना बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अब मैं 20% पॉइंट पे आता हूँ। आज के दिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रही हैं उनमें केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके, चाहे बोर्ड एग्जाम में 100/100, 500/500 का 12th का बच्चा है, वो भी केवल स्कूलिंग के आधार पे इमिडिएटली नीट, जेई, क्लेट इनमें अच्छी रैंक हासिल नहीं कर सकता। मीन्स उसको आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स हैं उनके पैटर्न के लिए उसको एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत है ही है। तो या तो सरकार इस गाइडलाइन के साथ साथ पूरा पेपर ही 100% एनसीईआरटी बेस्ड इजी करे कि स्कूल से बच्चे का सिलेक्शन होने लगे, और अगर स्कूल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जैसा पेरेंट्स का मानना है वैसा हमारा भी है कि बच्चे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस मिलनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो स्कूलिंग के कंटेंट को तो आप ये मानिए 50% टाइम में कवर कर लेते हैं। तो ऐसे के लिए या तो गवर्नमेंट इन एग्जाम्स के पेपर को अपने लेवल पे इजी करे, या फिर एनसीईआरटी का जो क्यूरिकुलम है उसमें ऐसे कंटेंट को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं वो कंटेंट है, वैसे क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी में जोड़े। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो आज के दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो क्यूरिकुलम है, हम स्कूल भी चलाते हैं, हम कोचिंग भी चलाते हैं, तो दोनों चीजों को हम देख रहे हैं। कोचिंग के बच्चे को तैयारी करवाने के लिए, सिलेबस करवाने के लिए निश्चित रूप से हमें या तो भागना पड़ेगा या उसकी क्लासेस लंबी लगानी पड़ेंगी, इतना कंटेंट उसको देना होता है अच्छी रैंक लाने के लिए। तो गवर्नमेंट को इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस बहुत लिमिटेड कर देना चाहिए ताकि इस तरह का लोड बच्चे के आए ही नहीं।